नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। समाज के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा समाज में नहीं है, ये जानते हैं हम। समाज के बीच में जो लोग रहते हैं, खासकर हम लेडीज से बात कर रहे हैं, कैसा माहौल है समाज का, क्या सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जी इनसा का एक्चुअली में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, उनका समाज के लिए कैसा योगदान रहा है, ये सारी तमाम बातें हम इन लोगों से करते हैं और आपको सीधी बातचीत दिखाते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता इंसान। सुनीता जी, क्या कहना है आज के समय में समाज के अंदर माहौल कैसा चल रहा है? माहौल बहुत खराब चल रहा है, पिताजी के जाने के बाद बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है, नशे बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं। अब देखो किसानों का कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा खराब माहौल चल रहा है। मैम, सबसे पहले सवाल, आपने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह चिंसा को पिताजी बोला, क्यों आप उनको पिताजी क्यों बुलाते हो? क्योंकि वो हमारे इतने जो रियल पिताजी हैं ना, उनसे भी बढ़ के हैं। उन्होंने हमारी इतनी जिंदगी में खुशहाली भरी है ना, बता नहीं सकते। उन्होंने किया क्या है लोगों के लिए? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते कि इतना कुछ किया है ना समाज के लिए कि अब क्या बताएं। स्कूल, कॉलेज लड़कियों के लिए, भाई लड़कियां सुरक्षित रहें, लड़कों के लिए कॉलेज बनाए, भाई मतलब नशा ना फैल सके, इतना कुछ किया है कि बयान नहीं कर सकते हम, बता नहीं सकते। मैम, हमारे देश में जो छोटी छोटी लड़कियां कई बार विधवा हो जाती हैं, किसी का तलाक हो जाता है, उन लड़कियों के दर्द के लिए कुछ किया है गुरुजी? उनके लिए बहुत कुछ किया है, जैसे भगत योद्धा बनाए, शुभ देवियां, उनके लिए शादी करवाई, जो बच्चे भी छोटे छोटे उनके वो साथ भेजे, उन्होंने अपनाए, जो जो शादियां कर रहे हैं पिताजी ने, बहुत कुछ किया है मतलब उनके लिए कि बता नहीं सकते। हमारे देश के लिए योगदान है उनका? बहुत ज्यादा योगदान है, सारा देश के लिए कर रहे हैं। जैसे ब्लड डोनेट करना, ये प्लेटलेट्स देने, मतलब जैसे लोगों के कम हो रहे हैं। अब जैसे देखो कोरोना महामारी इतनी बड़ी है कि इतनी फैल चुकी है, उनके लिए भी लोगों को इतना कुछ दे रहे हैं ना, बता नहीं सकते। राशन देना, क्योंकि काम कम हो गए कोरोना की वजह से, लॉकडाउन लग गए, इतने काम कम हो चुके हैं ना कि उनके लिए मतलब गर्म कपड़े, कंबल, गरीबों के घरों में जाके लंगर बांटा है, बना बनाया लंगर, कच्चा भी दिया है सबको, कच्चा लंग जैसे सामान, राशन का, दूध, बहुत कुछ दिया है उनके लिए जाकर। मैम, हमारे देश में जो इतनी जैसे एक एरिया ऐसा है जैसे जिनको आदिवासी लोग बोलते हैं, जिनको सलीका नहीं रहता समाज के साथ रहने का, ऐसे लोगों को परिवर्तित करने के लिए गुरुजी ने बहुत कुछ किया है उनके लिए, तो उनकी मतलब उनके वहाँ जाके उनको सिखाया है काम धंधा, जैसे रोजगार देना उनको, जैसे कढ़ाई सिखाई लेडीज को, जेंट्स को, मतलब जैसे फैक्ट्रियों में छोटा मोटा काम, दरियां बुननी, चारपाई बनानी, पलंग बनाने, जैसे मतलब लोहे का काम, उनके लिए बहुत कुछ किया, उनको सलीका सिखाया है। नहीं तो वो जैसे कच्चे जानवर चुबा जाते थे भाई, मतलब बहुत ज़्यादा उन गंदगी, शादी से पहले ही बच्चे हो जाते थे उनके, उनकी शादियां दरबार में, उनको सारा दहेज भी दिया है, और तो और यहाँ शादियां करवाई हैं, 200-200 शादियां, 100-100 शादियां, उनको दहेज देना, उनको सलीके से, उनको यहाँ वरमाला पिताजी के सामने पहनाई जाती थी, उनके रोजगार भी बढ़े, उनको काम धंधा दिया, फिर उनको दहेज के रूप में सारा सामान भी देते हैं। मैम, दहेज प्रथा के लिए क्या क्या सोच है गुरुजी का, क्या बताया है आपको? मतलब दहेज प्रथा तो गुरुजी ने गलत ही बताया, दहेज मतलब मांगना नहीं, अपनी बेटी को हक देना है, हक अपनी बेटी को आप देना जरूर है, अपना हक दो, बेटी भी बेटे समान है, उसका भी बराबर हक बनता है, लेकिन दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए, उसको खत्म करना है, दहेज मांगना वो गलत है। किस तरीके से गुरुजी ने इसके लिए काम किया है? इसके लिए मतलब हाथ खड़े करवाए हैं, नारा लगवाया है, बेटा बेटी एक समान, दहेज नहीं लेना, मतलब हर एक ने नारा लगाया है दहेज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना। मैम, एक और बात उनके बारे में दिखाई जाती है कि 79 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्या सच्चाई है उन वर्ल्ड रिकॉर्ड? बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि इतने गुरुजी के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं कि अब मुझे कुछ ज़्यादा तो याद भी नहीं है, लेकिन इतने गिनाए भी नहीं जा सकते, बयान भी नहीं करे जा सकते,
बहुत ज्यादा है, मतलब कि ब्लड डोनेट करना वैश्यवृत्ति है, और मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए उनका क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है इन्वायरमेंट के लिए, तो बहुत ज्यादा। क्या जरूरत है उनकी समाज? बहुत ज्यादा जरूरत है कि जल्द से जल्द पिताजी आने चाहिए समाज में। बहुत दुनिया का बहुत बुरा हाल हो रहा है कि जल्दी से जल्दी पिताजी को लाना चाहिए। मैम आप कितने समय से उनको देखते आ रहे हो, कितने समय से? मेरे को मैंने नाम लिया था पिताजी को, मैं 94 से देखती आ रही हूँ। आश्रम में कब से जा रहे हो? तब से आश्रम में 94 से जा रही हूँ। तो कैसा? बहुत बढ़िया माहौल, मैं और जगह भी गई हूँ, ऐसा माहौल मुझे कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, ना मिलेगा, ना मैं जाना चाहती। और दिन रात मेरा यही होता है, सेवा में ही लगाती हूँ दिन रात, और रूटीन में आ रही हूँ। मुझे इतनी खुशियाँ मिली है ना, मेरे परिवार को, मेरा बेटा यहाँ कॉलेज में पढ़ा है, एमकॉम करी है, मास्टर डिग्री, बहुत इंटेलिजेंट टॉपर रहा है, कि इतना सेवादार मेरा बेटा, मेरा पूरा सहयोग देता है, बहुत ज़्यादा सेवा करता है वो। मैम लड़कियों के को लेकर माहौल कैसा है डेरा सच्चा सौदा में? बहुत अच्छा, जितनी सुरक्षित बेटियाँ यहाँ हैं लड़कियाँ कहीं नहीं हो सकती, मैंने नहीं देखा और कोई भी जहाँ सुरक्षित मिलेंगी। लेकिन मैम लड़कियों के बारे में तमाम ऐसी खबरें मीडिया में दिखाई जा रही थी, उनके बारे में क्या? वो सब गलत, मीडिया वाले सब बिके हुए थे, वो बिके हुए थे, बिल्कुल बिके हुए, सब झूठ है, ये सब झूठ है। मैम गुफा की असलियत क्या है? गुफा की असलियत बिल्कुल एक छोटा कमरा नहीं है, जो कह रहे हैं लोग भी कमरा है, बहुत बड़ी गुफा है हमारी। वहाँ हर महीने मतलब पिताजी हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमारी इतनी बड़ी मीटिंग, बहुत मतलब 4-5 लाख के करीब लोग होते हैं, वो इतनी गुफा नहीं है जो लोग बता रहे हैं, सब झूठ है। जो लड़कियाँ यहाँ सुरक्षित हैं, यहाँ रहना चाहती हैं, बल्कि हम भी रात को घर जाते हैं, सोचते हैं यहीं रुकें, रात को घर ना जाएं, इतना माहौल खराब है बाहर का। गुरुजी का स्वभाव कैसा है? गुरुजी का तो स्वभाव कहने सुनने से परे है, वो तो एक मतलब हर मतलब बच्चे के साथ बच्चे, फ्रेंडशिप हमारे साथ रखते, मतलब बड़ों के साथ बड़े, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग, मतलब इतना अच्छा माहौल, गुरुजी को मैंने देखा नहीं ऐसा कोई, गुरुजी के मतलब कोई कर ही नहीं सकता उनका मुकाबला, तो कोई पूरे हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप भी नहीं कर सकते जो गुरुजी हैं। उनका चरित्र कैसा है? बहुत अच्छा चरित्र, इतना तो हो भी नहीं सकता किसी का, सारे दुनिया में नहीं हो सकता, तभी तो उनको भगवान एज ए मतलब फादर, एज ए गुरुजी बोला जाए, ऐसा भगवान मानते हो मैम? बिल्कुल भगवान, रोक लगाए जा रहे हैं, वो सब झूठ है, बिकाऊ माल है, सब जो कर रहे हैं ना सब झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। क्या अपील, क्या मांग करना चाहोगे आप? हम ये मांग करना चाहेंगे भी जल्दी से जल्दी हमारे गुरुजी को लाया जाए यहाँ पर, बहुत जरूरत है हमें गुरुजी की। समाज को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि समाज ने जितना भी कुछ देखा है मीडिया के द्वारा ही देखा है, वो सब झूठ है, बिकाऊ माल है, सब कुछ नहीं है, सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। हम ये चाहेंगे कि समाज सुधरे, मतलब देखकर यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा है बहुत ज़्यादा, कि जल्द से जल्द हमारे गुरुजी को लाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हम लगातार आपको उन लेडीज से मिलवा रहे हैं जो डेरा सच्चा सौदा में काफ़ी समय से 10-10, 15-15, 20-20 सालों से वहाँ पर जा रही हैं, जिनका मानना है कि झूठे रोप लगाए जा रहे हैं, झूठा फंसाया गया है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह चिंसा को। इनकी मांग है कि वो जल्द से जल्द समाज में वापस आने चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो भी सूत्रों के हवाले से खबरें दिखाई गई, तमाम खबरों को ये लोग नकार रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है। वो सूत्र जाइए, लोग जो आज भी दिन रात डेरा सच्चा सौदा में रुकते हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रीम सिंह जिंसा की मांग कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।